तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट होने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप एक तरफ काफी एक्साइटेड होते हैं एंड दूसरी तरफ काफी क्यूरियस होते हैं कि आपको अपने हॉस्टल के लिए कौन कौन सा सामान ले जाना होगा या क्या 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 ऐसे एसेंशियल्स हैं जिनकी जरूरत आपको हॉस्टल में पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आपको हॉस्टल में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी या आपको हॉस्टल में क्या क्या ले जाना होगा। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्या यादव और आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए एक नई वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक हॉस्टल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं या आप रेंट पे रहने जा रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी एंड इस वीडियो को आप जरूर आखिरी तक देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या हॉस्टल के लिए असेंशियल है या अगर आप अपना सेपरेट रूम लेके रह रहे हैं तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरी सिटी में रहने जा रहे हैं तो वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। सो अगर मैं हॉस्टल या रूम असेंशियल्स की बात करूँ तो लिस्ट तो खत्म होगी नहीं। किसी भी टाइम पे आपको कोई भी चीज़ जरूरत पड़ सकती है तो आपको भी सारी चीज़ें, एक तरह से वो आपका दूसरा होम है, दूसरा घर है वो एक तरह से, तो आपको अपना घर फिर शुरू से पूरा बनाना पड़ेगा। उसमें सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, जो जो यूज़फुल चीज़ें हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं बता देती हूँ। एंड सबकी खुद की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो जो आपको और इसमें ऐड ऑन करना है वो आप कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक रूम, सेपरेट रूम लेके रह रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। हॉस्टल के मुकाबले जो रेंट पे रह रहे हैं उन्हें और ज़्यादा सामान लेके जाना होता है, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्टल में ऐसा है कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं, बट रेंट पे ऐसा है कि आपको सारी चीज़ें ही खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं। दोनों स्टूडेंट के लिए जो रेंट पे रहना चाह रहे हैं या जो हॉस्टल में रहना चाह रहे हैं, मैं दोनों के लिए इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगी। सो आप वो सारी चीज़ें लेके अपनी नई दुनिया में ज़रूर जाइएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सब कुछ ए टू जेड सब चीज़ की बातें करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। सो हम हेड टू टो हर चीज़ यहाँ पे बात कर लेंगे। हमें क्या क्या चीज़ कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें नीड होगी वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टॉयलेटरीज़ की, कि आपको बाथरूम, वॉशरूम इन सब चीज़ों में क्या क्या नीड होगी। सबसे पहले अगर हेड से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको शैम्पू चाहिए होगा। आप पाउचेस की जगह बॉटल वाले शैम्पूज़ यूज़ करिए, अदरवाइज पाउचेस में आपको बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि इधर पाउच उधर पाउच, वो आपको फेंकने जाना है, ये करना है वो करना है, तो आप बॉटल वाले शैम्पूज़ यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। शैम्पूज़ लेके जाइए, अपना बॉडी वॉश लेके जाइए। सोप तो मैं कहती हूँ आप छोड़ रहन दीजिए, आप बॉडी वॉश यूज़ करिए। सोप टोप रखने के लिए कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ इधर से उधर जब आप एक बार नहा लेते तो सोप आपका वेट हो जाता है, उसको इधर उधर ले जाने में आपको अच्छा सा नहीं लगता। क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है, बहुत सारे बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह सब एक साथ रहते हैं, तो उसमें सब लोग यूज़ करते हैं, तो आपको अपनी चीज़ें वापस अपने रूम में लेके जानी होती है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बॉडी वॉश यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ सोप, आप बॉडी वॉश यूज़ करिए, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो आप अपनी बॉडी के लिए बॉडी वॉश ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए एंड जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको एक बकेट एंड मग, नानी के लिए मग या बकेट, ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं मिलता है, ये सब आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। इसमें भी एंड रेंट पे अगर आप रह रहे हैं तो दोनों जगह आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देन आप फेस वॉश लेके जाइए, अपना स्क्रब लेके जाइए, जो जो आपको ज़रूरत होती है अपने फेस के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, जो भी है वो सब आप वहाँ पे लेके जाइए। एक तरह से वो भी आपका घर है, तो आपको अपना घर शुरू से दोबारा बनाना है एक तरह से, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नीड होगी जो जो आप घर में अपनी यूज़ करते हैं, आप सब कुछ वहाँ पे लेके जाइए। तो मैंने शैम्पू, बॉडी वॉश एंड फेस वॉश, स्क्रब, जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कपड़े खुद वॉश करना चाहते हैं, या कुछ तो आपको खुद वॉश करना ही पड़ता है, लाइक अंडर गारमेंट्स वगैरह, वो तो आपको खुद वॉश करने पड़ते हैं, तो आप डिटर्जेंट लेके जाइए, लिक्विड डिटर्जेंट लेके जाइए, वो ज़्यादा आई गेस ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो आप लिक्विड डिटर्जेंट ले जा सकते हैं, सर्फ एक्सल वगैरह जो भी है। आप सोप की जगह वैसा ही कुछ बॉटल वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करिएगा। सोप में मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप बॉटल वाली चीज़ों को ज़्यादा, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप ऑफकोर्स सोप वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं,
बिकॉज वो आपका अपना है, आपको उसमें सिर्फ आप लोग ही जाएंगे एंड कोई अदर नहीं जा सकता उसमें, वो आपका सेपरेट होता है। बट हॉस्टल में क्या है, उसमें सारे लोग आते हैं, सारे बच्चे जो भी हैं सबको अपना शेयर करना पड़ता है। तो आप हॉस्टल में बॉटल वाली चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइजीन चीज़ों के लिए, हाई बॉडी को हाइजीन रखने के लिए। गर्ल्स अलग चीज़ें यूज़ करती है, बॉयज़ अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो जो जो आप लोग यूज़ करते हैं वो प्लीज़ अपनी एसेंशियल्स में ज़रूर रखिएगा, अपनी हाइजीन की चीज़ें। हाइजीन के ऊपर बात करें तो सैनिटाइज़र ले जाइए आप, हैंड वॉश लेके जाइए, लाइक अपने इंटीमेट एरियाज़ की चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं वो सब आप अपने हॉस्टल में लेके जाइएगा, अपने रूम में लेके जाइएगा। गर्ल्स अपनी सैनिटरी नैपकिंस, बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैनिटरी नैपकिंस आप लेके जाइए। ये वहाँ पे शॉप नहीं है, आपको कॉलेज के अंदर भी शॉप मिलती है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, बट अवेलेबल नहीं होते हैं शॉप से बाय करने के लिए। सो कुछ ऐसी भी गर्ल्स होती हैं, आई नो मेरी भी ऐसी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो कुछ ऐसी भी गर्ल्स होती हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपने घर से ही अपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ सारी चीज़ें, आप बहुत बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ ही अपने हॉस्टल में ले जा लीजिए। अगर आपको 2-3 मंथ वहीं रहना है, अभी आप कहीं दूर से हैं तो आप अभी घर नहीं जा रहे, तो आप बहुत सारी चीज़ें अब एक की जगह आप 4 लेके जाइए, तो आप ऐसे ऐसे अपनी चीज़ें लेके जाइए हॉस्टल में, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही गर्ल्स और बॉयज़ अपनी दोनों हाइजीन की चीज़ें लेके जाइए। एंड जैसे गर्ल्स हो गई, आप मेकअप तो सब करती है, तो अपना मेकअप लेके जाइए, अपना स्किन केयर लेके जाइए। बॉयज़ जो भी अपने हेयर के लिए जेल वगैरह, वैक्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब लेके जाइए, जो जो आपकी नीड है वो सब आप वहाँ पे लेके जाइए। आप सेफ्टी पिंस लेके जाइए, थ्रेड लेके जाइए, सुई धागा, आपका कहीं कोई कपड़ा फट गया तो आप वहाँ पे इजीली सिल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप सुई धागा लेके जाइए, टेप लेके जाइए, कैंची लेके जाइए, जो जो आपकी नीड है ना, मतलब हर चीज़ एक तरह से बोलूँ तो हर चीज़ आपको लेके जानी है। कहीं भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको पता भी नहीं लगेगा, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि आप सब कुछ ही लेके जाइए, चाहे इतनी छोटी छोटी भी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाइए। उसमें मान लो अगर आपको रात में, बहुत रात में आपको ऐसा हो, अगर आप जग रहे हो, आप कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो आप बाहर तो कॉलेज के जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड है नहीं, के पास वो खुद चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, तो आप सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाइएगा। देन फिर बात करते हैं यूटेंसिल्स की, आपको अपने बर्तन भी लेके जाने होंगे। जैसे हॉस्टल में क्या हुआ, किसी दिन आप लेट उठे, आपने किसी अपने फ्रेंड को बोल दिया कि आप इसमें खाना ले आना, कोई टिफिन वगैरह, प्लेट, चम्मच, वो सब आपको लेके जाना है वहाँ पे, तो अपने फ्रेंड से बोल दिया कि इसमें आप मेरे लिए खाना पैक करके ले आना, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, यहाँ कुछ भी तबीयत ख़राब है, वहाँ पर खाने का मन नहीं है, तो आप अपने बर्तन में ला के अपने रूम में खा सकते हैं। यूटेंसिल्स भी ज़रूर लेके जाइए, अगर आप रेंट पर रह रहे तो आपको तो नीड होगी। अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो आपको गैस लेके जाना होगा, अपना सिलेंडर या अपना इंडक्शन लेके जाना होगा, बहुत सारे बर्तन लेके जाइए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, जैसे हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, तो हमारे पास तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्तन है, मतलब बहुत सारे यूटेंसिल्स रख रखे हैं, फिर धोने में भी हमें उतनी मेहनत लगती है। सो यार, जितने बर्तन होते हैं उतना तो हमें, फिर हम उतने ही गंदे करते हैं, इतने आलस कर कर के पहले उसे धोएंगे नहीं, और जितने बचे हुए बर्तन उनको भी हम गंदा करते रहेंगे, फिर इतने सारे बर्तन आते फिर उनको धोना पड़ता है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है इस चीज़ का। बट या आपको अपने बहुत सारे बर्तन भी लेके जाने हैं। हॉस्टल में तो क्या है, आपको कुछ कैटल वगैरह आपको अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको अलाउड नहीं होती हैं हॉस्टल में, आपको कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती है बाहर की। आप ना कैटल यूज़ कर सकते हैं, ना इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अभी आप मत लेके जाना, अब वहाँ पे आप देखना, अगर दूसरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो आप भी फिर चुपके से ले जा लेना। वैसे चुपके चुपके तो बच्चे यूज़ करते हैं, बट अगर वो लोग देख लेते हैं तो आप पे फाइन लगता है अच्छा खासा। हॉस्टल में ये सब अलाउड नहीं होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। आप रेंट पे तो आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, कूलर रख सकते हैं अपने लिए, गर्मियों के लिए कूलर रख सकते हैं, हीटर रख सकते हैं, कुछ भी बनाना है, लाइक चाय बनाने वाले बर्तन वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ है ना, सब्जी बनाने वाली कढ़ाई, सब कुछ आपको लेके जाना होता है। सो ये हो गई यूटेंसिल्स की बात। अब बारी आती है मेडिसिंस की, तो आपको मेडिसिंस तो अपनी लेके जानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिंस, क्योंकि कोई भी आपको रात में किसी भी वक्त हेडेक की मेडिसिन रख लो, या बॉडी पेन, कुछ पैरासीटामोल रख लो, कॉम्बिफ्लैम रख लो, ऐसी ऐसी दवाइयाँ आप अपने साथ रख सकते हो, पेट दर्द की दवाई रख लीजिए, कोई भी जो जो आपकी एकदम इंस्टेंट चीज़ हो जाती है ना, कभी भी कोई भी दर्द स्टार्ट हो जाता है तो किसी भी वक्त हो जाता है, तो अपने साथ ये सब मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखिए, पेट दर्द की, बॉडी पेन की, हेडेक की, कुछ भी है, लूज मोशंस हो गए, या कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखिए।
लेकिन आप बात करते हैं बेडिंग की, तो हॉस्टल में सब कुछ प्रोवाइड होता है, आपको गद्दे मिल जाते हैं वहाँ पे अपने बेड के ऊपर बिछाने के लिए, गद्दे वहाँ पे आपको मिलते हैं, पिलोज वगैरह सब मिलती हैं। कुछ हॉस्टल्स में पिलोज नहीं अवेलेबल होती तो आप अपने साथ पिलो भी ले जा सकते हैं। बात करते हैं आपको ओढ़ने का, आपने ओढ़ने के लिए आपको सब कुछ लेके जाना है वहाँ पे। समर में आप कोई सा पतला सा चादर रख लीजिए, एंड विंटर में अगर आप जाएँ तो विंटर में अपनी रजाई या कंबल जो भी है वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है, तो वो आप खुद से अपने लेके जाइए वहाँ पे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, जैसे हम रेंट पे रह रहे तो हमें सब कुछ अपना गद्दे वगैरह हमें खुद से मैनेज करने थे, तो हमने गद्दे लिए, फिर उसमें चादर पिलोज वगैरह सब कुछ हमें खुद से लेना पड़ता है। एंड या ये सब है, कुछ चीज़ें हॉस्टल की अच्छी है, कुछ चीज़ें रेंट की अच्छी है। रेंट पे ये कि आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, आप कभी भी मतलब किसी भी वक्त आप अंदर रेंट हो सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इजीली अपने आराम से बाहर जा सकते हो अगर आप रेंट पे रहते हो। एंड हॉस्टल में रहते हो तो आप इजीली अपना अपने मन से बाहर नहीं जा सकते, अपना कोई सामान नहीं ला सकते, ये चीज़ है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, रेंट पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो ये बात है। कुछ कुछ रेंट में भी ऐसा है, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, इसके बाद आपको रूम के अंदर आना है, लाइक 10 o'clock का टाइम दे दिया, इससे पहले आपको अंदर आना है। तो ऐसे कुछ रेंट रूम्स में भी ऐसा होता है और कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो इस तरह से होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर आपको मेडिसिन रखनी है अपनी, एंड बेडिंग का सारा सामान लेके जाना है, आपको अपनी स्लीपर्स लेके जानी है, लाइक आप रूम में अपनी स्लीपर यूज़ करेंगे या जो आप वॉशरूम रहेंगे तब जो स्लीपर्स यूज़ करेंगे आप वॉशरूम के लिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो वॉशरूम के लिए आप अलग स्लीपर्स रखें तो बेटर है, क्योंकि उसमें फिर सारे बच्चे ही आते हैं, मतलब शेयर करना होता है आपको हॉस्टल में तो अपना वॉशरूम, तो वहाँ पे गंदा हो सकता है। अपने हाइजीन के लिए, अपने खुद हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप अपने अलग स्लीपर्स रखें वॉशरूम के लिए, एंड अपने रूम के लिए अलग स्लीपर्स रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। इससे रेंट की बात करें तो आपका तो सेपरेट होता है वॉशरूम वगैरह, आपको सिर्फ आप यूज़ करेंगे, जितने बच्चे उस रूम में रह रहे हैं, जितने आपके फ्रेंड रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो उतने ही बच्चे उतने ही लोग उसमें यूज़ करेंगे और कोई अलग से तो आएगा नहीं, तो वो आपका अपना है, तो वहाँ तो खैर हाइजीन रहती है। ऐसे लोग होते हैं जो सबके साथ नहीं कम्फर्टेबल फील कर पाते, उन्हें अपना अलग से उन्हें हाइजीन अच्छा लगता है, लाइक जैसे मुझे नहीं पसंद कि मेरा वॉशरूम और लोग भी यूज़ करें और शेयर करें, मतलब वॉशरूम शेयर करना मुझे नहीं पसंद, तो दैट्स वाई ये भी मेरा एक रीज़न था कि मैं अलग से अपना रूम लेके रहूं, ताकि उसमें और लोग ना आए एंड मेरा सब सेपरेट रहे। हम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हॉस्टल इतना अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स वाई मैंने फिर रूम पे रहना सोचा। बात हो गई बेडिंग की, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्लोथ्स की, तो आपको अपने क्लोथ्स तो लेके जाने हैं, लाइक अगर आपका समर में कॉलेज ओपन हुआ है तो आप पहले अपने समर के जो भी आपके कपड़े हैं वो आप लेके जाइए, विंटर के अभी आप छोड़ दीजिए, फिर आप विंटर तक तो आप वापस अपने घर आओगे, तो फिर वो चीज़ें आप बाद में जाइएगा। लाइक समर में तो पहले आप समर वाले सारे अपने क्लोथ्स सब कुछ आप वहाँ पर लेके जाइए, चाहे आप हॉस्टल में आ चाहे रहेंगे, आप दोनों जगह अपना पहले समर वाले जो भी आपके क्लोथ्स हैं वो वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे शिफ्ट करिए, देन फिर जब विंटर होगा आप वापस अपने घर जाओगे, वहाँ से अपना सामान लाओगे, देन फिर वो भी आप वहाँ पे शिफ्ट करना। ऐसे बोलूँगी आप अलग अलग बैग कर लीजिए, जिसमें आप डेली यूज़ पहनेंगे उसे अलग जगह रखिए एंड अलग बैग में रखिए, एंड जो आपके थोड़े वैसे बाहर घूमने वाले या पार्टी वेयर है वो आप अलग ब्रांड में रखिए, एंड वैसे ही जाके आप अपने अलमीरा में रख दो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, टॉयलेट्रीज़ हो गई, मतलब आपको जो वॉशरूम में यूज़ करना है बाथरूम में यूज़ करना है वो आप अलग किट में रखो, मेडिसिन अपनी अलग किट में रखो, हर चीज़ की अलग अलग किट बना लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पिक चिट लगा दो कि इस पाउच में मेरा ये सामान है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप इजीली अपना सब कुछ ढूंढ लोगे, सब कुछ अपना मैनेज कर लोगे। अब बात करते हैं खाने पीने के ऊपर, तो फूड की चीज़ें भी आपको लेके जानी है। लाइक हॉस्टल में क्या होता है, आपको 4 times खाना मिलता है, तो बीच में तो ऐसा है कुछ मंचिंग करने का मन कर गया, आपको भूख लग गई थोड़ी छोटी मोटी भूख, तो आप अपने साथ कुछ चीज़ें रखिए, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है आपको पर्टिकुलर टाइम पे आपका खाना मिलेगा, ऐसा नहीं आपको बीच में भूख लग गई तो आपको वो बैठे रहेंगे लो बेटा खा लो, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको अपनी चीज़ें लेके जानी होंगी, खाने पीने की चीज़ें जो आप बीच बीच में अपनी आराम से इंटेक कर सको, ईजिली आप खा सको, तो वो सब फूड आप लेके जाना, क्योंकि हॉस्टल में आप बाहर भी नहीं जा सकते कि आप खरीद लो, बट हॉस्टल में होता है शॉप्स होती हैं वो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही खुली होती हैं, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बट पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या, फिर आपको भूख लगी फिर आप क्या करोगे, तो इसलिए आप अपने लिए फूड रखना। एंड रेंट वालों के लिए भी ऐसे ही है, वो तो सब कुछ फिर लेके जाते हैं, अगर आप अपने रूम पे खाना बनाते तो आपको तो सब कुछ लेके आना ही होगा, छोले राजमा दाल वगैरह मसाले सब कुछ, नमक वमक सब वो आपको लेके जाना ही होगा अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो वो तो उनका अलग ही है।
ठीक है। तो ये हो गया हॉस्टल के लिए, आप फूड अपना ज़रूर लेके जाना, ठीक है। सो बात करते हैं कुछ और ऐसी चीज़ों की, लाइक एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, तो हम जैसे आजकल के बच्चे वो तो फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते। एंड क्या होता है, अगर आपको चार्ज करना है उस वक्त भी हमें चलाने की आदत होती है। मान लो आपका बेड यहाँ है एंड आपका जो चार्जर पॉइंट है वो दूर है, तो अब ऐसा तो है नहीं वहाँ खड़े खड़े फ़ोन चलाओगे चार्ज पर लगा के, तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आप अपने बेड के बगल में उसको रख के ईजिली अपना चार्ज करते करते फ़ोन चला लो, क्योंकि हमने तो यही कर रखा है। इसके यार मुझे पता है सब बच्चों की आदत होती है, फ़ोन तो उनसे एक मिनट के छोड़ा ही नहीं जाता। सो यहाँ ईजिली फिर आप अपना फ़ोन भी चलाते रहोगे, आपका फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा। एक्सटेंशन बोर्ड आप लेके जाना, अम्ब्रेला लेके जाना क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, आजकल तो बारिश का मौसम है, तो आप अम्ब्रेला भी अपने साथ लेके जाना, ठीक है। तो आप अपने साथ अम्ब्रेला रख लो, थर्मामीटर रख लो, क्योंकि कभी भी आपको बुखार, अगर आपको अपना बुखार आपको अंदर से बॉडी में लग रहा है कि आपको फीवर है, तो आप अपना थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर सको। अपने साथ बुक्स, आप अगर आपको नोवेल पढ़ने का शौक है या कोई भी बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आप अपने साथ बुक ले जा सकते हो, और अपनी एक नोटबुक ले लेना, दो चार नोटबुक अपने कॉलेज वर्क के लिए, एंड पेंस वगैरह ये सब आप अपने साथ रख लेना, हाइलाइटर वगैरह जो जो आपको नीड होती है स्टेशनरी में, वो सब आप अलग पाउच में अपना उसमें स्टेशनरी ऊपर चिट से लिख के उसे अलग रख लेना, ठीक है। देन बात करते हैं फुटवेयर के ऊपर, तो फुटवेयर अपना जो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दो स्लीपर्स रखना, एक वॉशरूम के लिए हॉस्टल वाले बच्चे, एक वॉशरूम के लिए, एक अपने रूम के लिए, और अपने पहनने वाले शूज़ हो गए, जो भी आपके कॉलेज शूज़ वगैरह वो सब आप लेके आना। एक बेडशीट नहीं, दो दो बेडशीट रखना, क्योंकि एक आपने बिछा ली तो वॉश भी तो करनी है, गंदी नहीं जाएगी बहुत दिन तक अगर आप उस पर ही लेटोगे, तो ऐसी दो दो सब चीज़ दो जोड़ी लेके जाना, वो बेडशीट लेके जाना, ताकि एक आप वॉश कर दो दूसरी आप बिछा लो, तो इसलिए दो बेडशीट लेके जाना, बिछाने वाली ओढ़ने वाली सब कुछ आप दो दो लेके जाना। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप अपना वॉशरूम क्लीन करने के लिए हार्पिक वगैरह लेके जाना, बाथरूम क्लीनर वगैरह ये सब आप लेके जाना, ताकि आप हाइजीन मेंटेन कर के रखो एंड ईजिली आपका सब कुछ साफ़ सुथरा रहे। अगर आप रेंट पे रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको पोछा तो लगाना ही पड़ेगा, तो पोछा लगाने के लिए आप अपना सब कुछ लेके जाना, पोछा लगाने वाला या वाइपर वगैरह वो सब आपको चाहिए होगा रेंट पे, सो आपको ये सब भी लेके जाना होगा अपना। एंड अगर आप रेंट पे रह रहे हो, तो आप अपनी बेड वाली जो टेबल आती है वो आप ले सकते हो, ताकि आप बेड पे बैठ के अपना वर्क कर सको। चेयर ले सकते हो, चेयर वहाँ पे, जैसे आप अपने रेंट पे रह रहे हो तो वो सब तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो ये सब असेंशियल्स हैं जो हम लोग अपने रूम पे रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, जैसे ध्यान आएगा तो मैं आपको कमेंट में भी बताती रहूँगी। कुछ जैसे कोई अपना नया घर बनाते हैं ना, तो उसमें सब चीज़ें रखते हैं, सो लाइक वही है वो, एक तरह से बिल्कुल सेम वही है आपका, वो नया घर है एंड वहाँ पे आपको अपना सब कुछ रखना है, अपनी सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की सब कुछ वहाँ पे रखनी है। मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप हॉस्टल पे वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी आज। सो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मुझे पता है कि आपको इस वीडियो से सच में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत सारा जब मैं भी जब कॉलेज जाने वाली थी अपना वहाँ पे शिफ्ट करने वाली, तो मेरे दिमाग में भी था मैं क्या क्या लेके जाऊँ क्या क्या ना लेके जाऊँ। वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर दी हो, आशा करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि आपको क्या क्या लेके जाना होता है। या ये थी मेरी वीडियो, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, एंड आई लव यू ऑल सो मच। Bye.